तो चलिए फ्रेंड्स, ठंडी का मौसम चालू हो गया है और हलवा का सीजन भी। तो क्या आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ। सिर्फ आधा गिलास दूध से हम पूरे परिवार के लिए ये लौकी का हलवा बनाएंगे। बहुत ही मावेदार टेक्सचर बनता है और सिर्फ 10 मिनट में बनके रेडी हो जाता है। और खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। एक बार मेरे कहने पर इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और सडनली घर में कोई गेस्ट आ जाए तो ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो फ्रेंड्स, जब भी आप लौकी को लाएं तो उस टाइम आप ध्यान रखिए कि आपको लौकी थोड़ी मोटी साइज़ की लेनी है। और जब भी आप इसे ग्रेट करते हैं तो ग्रेट करते टाइम इसका बीच वाला पार्ट जो है उसे हमें ग्रेट नहीं करना है, सिर्फ साइड साइड के पार्ट को हमें ग्रेट कर लेना है। अगर बीच वाला सॉफ्ट वाला पार्ट आप ग्रेट करते हो इस तरीके से तो ये जो लौकी है अच्छी नहीं बनेगी, लौकी का हलवा जो है अच्छा नहीं बनेगा। जब इसे ग्रेट कर लें उसके बाद इसका जो पानी है आपको इस तरीके से अलग कर लेना है। और लौकी ग्रेट करने से पहले आपको लौकी को थोड़ा सा टेस्ट कर लेना है ताकि वो कड़वी ना हो। अगर आप पतली लौकी लेते हैं तो उसमें ज़्यादा गुद्दा नहीं रहता है तो वो खाने में इतना अच्छा नहीं बनता है और बहुत कम क्वांटिटी में आपका हलवा बन के तैयार होता है। तो जब भी लौकी लिए थोड़ी मोटी साइज़ के लिए जो मीठी रहती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इसके पानी को इसमें से अलग कर लिया है। अब चलते हैं हम हमारी गेस्ट की तरफ। तो यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें डाल दिया है 2 टेबलस्पून घी। अब हम इसमें डाल देंगे ये जो ग्रेट किया हुआ लौकी है। इसे इस तरीके से कंटिन्यूसली चलाते हुए हम इसे पका लेंगे। एकदम सिंपल मेथड है, जिस तरीके से हम गाजर का हलवा बनाते हैं ठीक उसी तरीके से हमें लौकी का हलवा भी बनाना है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और सडनली आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए तो भी ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है। अगर आप स्टील का कढ़ाई लेते हैं तो आपको इस तरीके से कंटिन्यूसली चलाना है क्योंकि स्टील वाले कढ़ाई में ये जो हलवा है चिपकने का काफ़ी चांसेस रहता है। अगर नॉन स्टिक पैन रहते हैं तो इतना कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे मैंने स्टील वाली बर्तन ली है तो इसलिए मैं कंटिन्यूसली इस तरीके से चला रही हूँ। जब तक ये लौकी है अच्छे से पक नहीं जाए तब तक हमें इस तरीके से कंटिन्यूसली इसे चलाते रहना है। तो बीच में आप इस तरीके से इसे चेक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये जो लौकी है थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये जो लौकी है बिल्कुल रेडी है। इसी स्टेज में हम इसमें डाल देंगे 1/2 ग्लास दूध। जब आपको लगेगा कि ये लौकी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है तभी आपको दूध ऐड करना है। दूध डालने के बाद आप इसे इस तरीके से कंटिन्यूसली चलाते रहें। जब तक कि ये दूध सूख नहीं जाए तब तक हम इसे इस तरीके से हिलाते रहना है। अगर आप इसे छोड़ेंगे तो ये जो हलवा है बीच बीच में चिपकने का डर रहता है, इसलिए आपको इस तरीके से कंटिन्यूसली हिलाना है। सिर्फ 10 मिनट में बन जाएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी है, ना ही तो ज़्यादा फुल है ना ही लो। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से लें। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून जितनी चीनी ली है। अगर आप मीठा कम खाते हो तो चीनी की क्वान्टिटी थोड़ी कम कर लें। चीनी डालने के बाद आप देख पाएंगे ये जो लौकी है धीरे धीरे फिर से पानी छोड़ना चालू कर देती है। तो आप देखिए ये फिर से थोड़ा थोड़ा इस तरीके से दूध के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये जो दूध है फिर से वापस गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि एक बार चीनी अपना पानी छोड़ती है इसलिए ये पतला हो जाता है। इसी स्टेज में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिंच ऑफ इलायची। इलायची बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालते हैं तो इसका टेस्ट है काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। अब इसे इस तरीके से हम कंटिन्यूसली चलाते जाएंगे जब तक कि ये चीनी वाला पानी जो है अच्छे से सूख नहीं जाए। जब पानी अच्छे से सूख जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे 1/2 बाउल मैंने मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर डालने के बाद 2 से 3 सेकेंड के लिए हम इसे चलाएँगे। बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक कि आपको लगे कि ये हलवा वाला फॉर्म नहीं आ गया है तब तक आप इसे हिला लें, उसके बाद आप इसे इस तरीके से साइड में रख लें। तो यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 मिनट लग गया था मुझे। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसे कंटिन्यूसली मिलाते रहेंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ नट्स लिए हैं। तो यहाँ पर कुछ नट्स है बादाम, जिसे मैंने कुछ तो भिगो के लिए हैं और कुछ ऐसे ही ले लिए हैं। आप चाहें तो काजू किशमिश कुछ भी ऐड कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। बादाम से इसका जो टेस्ट है काफ़ी इन्हेंस होता है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है बादाम इसमें। जैसे हम गाजर के हलवे में ऐड करते हैं सेम बिल्कुल वही प्रोसेस है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये लौकी है और वो गाजर।
ये देखिए इस तरीके से हम इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए पका लेंगे। अब ये जो गाजर ये लौकी का हलवा है बिल्कुल रेडी है। ये देखिए जब ये पेंच होने लग जाए तो हम इसे इस दूसरे डिश में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बस हलवा बनाते टाइम आपको कुछ पॉइंट्स के ध्यान रखने हैं, जैसे कि आपको लौकी पतली नहीं लेनी है और जो लौकी है उसे छिलने के बाद उसे अच्छे से वॉश कर लेना है और उसका बीच वाला सॉफ्ट वाला हिस्सा है उसे हमें नहीं डालना है। और लौकी को थोड़ा सा आप टेस्ट कर लीजिएगा। बस इन दो तीन चीज़ों का अगर आप ध्यान रख के बनाते हो तो आपका जो लौकी का हलवा है बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनेगा। जब बन जाए तो इसे इस तरीके से हम गार्निश कर देंगे और ऊपर से थोड़े से मैंने नट्स इस तरीके से फिर से बादाम से डेकोरेट कर दिया है। तो ये हमारा लौकी का हलवा बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स अगर आज की रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आगे कौन सी रेसिपी आप मेरे से देखना चाहते हो वो भी कमेंट कीजिएगा।